हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे UTS ऐप क्या है और UTS ऐप के थ्रू लोकल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल्स में समझाया हमने, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। UTS एक ऑनलाइन अनरिजर्व टिकट बुकिंग ऐप है जिसका इस्तेमाल साधारण रेल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजनल टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। इस ऐप से टिकट बुक करने पर आपके समय की बचत होगी और आपको लाइन में नहीं लगना होगा। आइए अब देखते हैं इस ऐप के थ्रू टिकट कैसे बुक करते हैं। इसके लिए आपको UTS ऐप को डाउनलोड करना होगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगी। ऐप के ओपन होने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुकी हूँ। आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप नॉर्मल बुकिंग कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बुकिंग कर सकते हैं और सीजन बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे नॉर्मल बुकिंग से टिकट कैसे बुक करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बुक एंड ट्रैवल एंड बुक एंड प्रिंट। अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको टिकट को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपका GPRS ऑन होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कहीं का भी टिकट बुक नहीं कर सकते। आप जहाँ पर होंगे उसके 5 किलोमीटर की दूरी के आसपास का स्टेशन होगा, उसी से आप बुक कर सकते हैं। और अगर आप इस सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप कहीं का भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन टिकट बुक करने के बाद आपको प्रिंट भी करवाना होगा। अगर आप प्रिंट नहीं करते और पकड़े जाने पर आपको फ़ाइन देना होगा, इसलिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर प्रिंट ज़रूर करना होगा टिकट को। हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके टिकट बुक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक करना है ये लिखना होगा। जैसे मुझे डियोरिया से गोरखपुर का करना है तो मैं इसको लिख लेती हूँ, गोरखपुर। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 टिकट बुक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको ट्रेन टाइप दिया गया है तो यहाँ पर आप मेल और सुपरफास्ट, तो मैं यहाँ सुपरफास्ट सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पे पेमेंट टाइप दिया गया है, आप आर वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट क्रेडिट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो मैं डेबिट सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पर आपको गेट फेयर पे क्लिक करना होगा एंड देन आपको यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए पेमेंट करने के, तो मैं आप पेटीएम से पेमेंट करूँगी। अब आपको यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए डेबिट क्रेडिट UPI नेट बैंकिंग, तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूँगी। और अब मैं यहाँ से जैसे ही पेमेंट करूँगी मेरा टिकट बुक हो जाएगा। सो देखा आपने आप कितने आसानी से UTS ऐप का यूज़ करके टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।